समरी ऑफ द स्टोरी लाख की छुनिया वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति अपने काम सरल करने के लिए मशीन का सहारा लेता है इसका कारण यह है कि मशीन से काम जल्दी होता है बिना ज्यादा मेहनत किए होता है खेती से संबंधित जो काम महिलाएं पहले हाथ से किया करती थी अब वह काम मशीन से लिया जाता है जैसे खेत की जुताई खेत बोना फसल तैयार होने के बाद पौधे से दाने अलग करना आदि मशीन का सहारा लेने से इंसान का काम और मेहनत तो कम हो गई है लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है कुछ क्षेत्र में तो मशीन से काम लेना सही है लेकिन कुछ क्षेत्र में मशीनों ने इंसान को कमजोर भी कर दिया है शारीरिक मेहनत करने वाला व्यक्ति अब खुद कम मेहनत करता है परिणाम स्वरूप वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से पहले जितना सक्षम नहीं रह गया क्योंकि जो काम वह अपना दिमाग लगाकर दो घंटे में करता था वह काम मशीनें कुछ मिनट में ही कर देती हैं। बैंक या बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेटर काम सरल तो करती हैं, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कैलकुलेटर पर इतना आश्रित हो गया है कि अपने घर के राशन का हिसाब भी वह बिना कैलकुलेटर के लगाना पसंद नहीं करता है मशीनों का एक और नकारात्मक स्वरूप है मशीनें काम जल्दी तो कर देती हैं, लेकिन मशीनों द्वारा हुए काम में वह फिनिशक नहीं आती जो इंसान अपने हाथों से करता है जिसकी एक झलक कामतानाथ द्वारा लिखी कहानी लाख की चुड़िया में नजर आती है इस कहानी के मुख्य किरदार लेखक और बदलू हैं। बदलू लेखक के ननिहाल में रहने वाला व्यक्ति है लेखक जब छोटे थे और जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाते तो बदलू से मिलने भी जाया करते थे बदलू लाख की चूड़िया बनाने वाला व्यक्ति है लेखक बदलू को अन्य बच्चों की तरह बदलू काका ही बुलाया करते थे लेखक को बदलू इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लेखक को खेलने के लिए देता था आम की फसल होने पर आम भी खाने के लिए देता था बदलू के द्वारा बनाई चूड़ियाँ पूरे गांव की महिलाएं पहनती थीं। बदलू ने कभी चूड़ियों के दाम नहीं मांगे जिसका जो मन करता वह चूड़ियों के बदले दे जाता था जैसे अनाज या अन्य सुविधाजनक वस्तु आदि जब गांव में किसी की शादी होती तो उनके घर में बदलू मोल भाव करके ही चुड़ियाँ देता था अर्थात बदलू शादी वाले घर में ही चूड़िया बेचता था बदलू को कांच की चूड़ियों से चिड़ थी वह जब भी किसी महिला के हाथों में यदि बदलू कांच की चूड़ियां देख लेता था तो वह चिड़ जाता था लेखक के पिता का स्थानांतरण ट्रांसफर हो गया परिणाम स्वरूप लेखक कई सालों तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए जब लगभग दस साल बाद लेखक अपने गांव गए तो देखा गांव की लगभग सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़िया हैं एक दिन लेखक के मामा की बेटी फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर लग गई पट्टी कराने लेखक अपनी बहन के साथ गए इस घटना के तुरंत बाद लेखक को बदलू की याद आ गई परिणाम स्वरूप लेखक बदलू से मिलने गए बदलू इतने साल बाद भी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा कर लेटा था बदलू काका अब बूढ़े हो गए थे उन्हें खांसी हो रही थी बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना परिणाम स्वरूप लेखक ने अपना स्पष्ट परिचय दिया बदलू की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी गाय को खिलाने की सुविधा न होने के कारण बदलू को अपनी गाय बेचनी पड़ी बदलू ने लेखक से दुखी होकर कहा कि लाख की छिड़ियों से अधिक सुंदर कांच की छिड़ियाँ होती हैं इतने में बदलू काका की बेटी आम ले आई लेखक की नज़र रज्जों के कलाई पर गई जिसमें लाख की छुड़ियाँ सुंदर लग रही थी बदलू ने लेखक को बताया कि उसके हाथ से बना ये लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है जिसे जमींदार की बेटी के लिए बनाया था लेकिन जमींदार इन चुड़ियों का सही दाम नहीं देना चाहता था परिणाम स्वरूप बदलू ने जमींदार को यह चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया लाख की चूड़ियाँ कहानी के परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि मशीनियों के कारण समाज का एक तबका ऐसा भी है जो बेरोजगार हो गया है बदलू का काम मशीनों के काम से बहुत अच्छा है लेकिन फिर लोगों द्वारा उसकी बनाई चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पसंद की जा रही है परिणाम स्वरूप बदलू अब बेरोजगार हो गया है मशीनों से कम समय में ज्यादा सामान बनाया जा सकता है परिणाम स्वरूप मशीनों से बना सामान सस्ता होता है वहीं हाथ से किए गए काम में समय लगता है और एक समय में एक ही सामान तैयार हो सकता है समय और मेहनत अधिक लगने के कारण हाथों से बने सामान की कीमत ज्यादा होती है बदलू बेरोजगार जरूर हो गया है लेकिन उसने इन हालातों से समझौता नहीं किया है इसका पता इसी बात से चलता है वह जमींदार को कम दामों में चूड़ियां देने से इनकार कर देता है फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू